Now next में session में जैसे discuss हुए हैं rules for creating array in C language में C language के अंदर array से related जितने भी rules available मैंने सारे के साथ rules provide किए हैं 1x1 सबसे पहले आप इन rules को copy कर लो then 1x1 में सारे के साथ rules आपको explain करूँगा first one rules related to size of array सबसे पहले मैं आपको एक बार roughly आपको explain कर रहा हूँ इसके just बाद examples के through explain करेंगे size के respect बात करें array size should be constant integer numbers means array size ke cases mein only constant integer numbers allowed honge not a variables means variables are not allowed or decimal numbers are not allowed for example some cases is case mein just ek array create case case mein provide kiya ki array name a size provide kiya jaye 5 is case mein kya constant integer number therefore it is valid declaration just इस केस में मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं फर्स्ट रूल सेकंड केस इट इज अ वैलिड डिक्लेरेशंस फॉर एरे सेकंड केस सिमिलर टाइप्स मैंने क्रिएट किया एरे ए विद साइज 0 इस सी लैंग्वेज के अंदर कभी भी 0 साइज का एरे क्रिएट करना पॉसिबल नहीं इस केस में क्या आएगा कंपाइल टाइम एरर एरे मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट्स कंपाइल टाइम एरर है जो इस केस में एरे मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट सिमिलरली अनदर केस इंटीजर ए सप्लाई किया मैंने सब नेगेटिव नंबर एरे साइज के केस में अगेन नेगेटिव नंबर पास करना पॉसिबल अगेन क्या आएगा कंपाइल टाइम एरर एरे साइज मस्ट हैव और एरे मस्ट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट मींस एरे साइज क्या सम शुड बी पॉजिटिव कांस्टेंट इंटीजर नंबर्स कांस्टेंट इंटीजर नंबर्स मींस इस प्लेस पर वेरिएबल्स भी अलाउड नहीं है फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट करता हूं सम वेरिएबल एज int n equals to 5 इस केस में n क्या है वेरिएबल देन सप्लाई किया मैंने जस्ट n int a प्लस साइज के अंदर नंबर के प्लेस पर कांस्टेंट वैल्यू के प्लेस पर मैंने सप्लाई क्या किया वेरिएबल मींस ये दोनों अपने आप में क्या सिंगल केस अगेन इस केस में रेज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड मींस एरे साइज के केसेस में ओनली कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर नंबर पास करना पॉसिबल ना ही नेगेटिव नंबर सब्सट्रैक्ट होना ना ही जीरो सेम एज एरे साइज के प्लेसेस पर कभी वेरिएबल सप्लाई करना पॉसिबल नहीं क्योंकि अगर आप वेरिएबल सप्लाई करो देन वेरिएबल क्या है वेरिएबल्स आर डायनेमिक थिंग्स और चेंजेबल मींस हो सकता है आप किसी वेरिएबल का वैल्यू रन टाइम पर रीड कर देन एरे का साइज रन टाइम पर रीड करना पॉसिबल हो जाए इसके जबकि एरे क्या है प्रोसेस वाइज एरे कैसे हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एरे के केसेस में मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म होता है मींस मेमोरी एलोकेशन का टाइप क्या है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और कंपाइल टाइम एलोकेशन इसलिए आप साइज कैसा पास करोगे ऑलवेज कांस्टेंट क्लियर अगेन क्या आएगा इस केस में कंपाइल टाइम एरर सेम एज एरे साइज के केसेस में कभी भी डेसिमल नंबर्स यूज करना पॉसिबल डेसिमल नंबर मींस फ्लोट और डबल अगर मैं इस प्लेस पर यूज करता हूं जस्ट 5.0 अगेन इट इज इनवैलिड डिक्लेरेशन इन दोनों केसेस में सेम एरर मैसेज डिस्प्ले हुआ सेम कंपाइल टाइम एरर कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड दिस इज द रूल्स रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट डाउन किया एरे साइज शुड बी पॉजिटिव कांस्टेंट इंटीजर नंबर क्लियर एरे साइज कैसा मैंडेटरी और ऑप्शनल इट इज कंपलसरी अगर आप सिंपली कोई एरे क्रिएट कर रहे हैं विदाउट एनी पार्शियल इनिशियलाइजेशंस देन इस केस में रेज क्या हुआ जस्ट कंपाइल टाइम एरर मींस एरे का साइज पास करना कंपलसरी इट इज नॉट अ ऑप्शनल नेक्स्ट में जस्ट डिस्कस करेंगे अनदर रूल्स रिलेटेड टू एरे मींस एरे से रिलेटेड मैंने जितने भी पॉइंट्स प्रोवाइड किए सारे के सारे पॉइंट्स एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स मींस किसी भी एरे का डिफॉल्ट वैल्यू कंप्लीटली डिपेंड करेगा स्टोरेज क्लास ऑफ एरे अगर आप एरे लोकल स्कोप में क्रिएट कर रहे हैं चाहे इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक देन इस केस में बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास कह रहा था ऑलवेज ऑटो इन सिचुएशन में एरे के एलिमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा ऑल्सो गार्बेज व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑटो स्टोरेज क्लास ऑलवेज गार्बेज सेम इन केस ऑफ एरे अगर आप एरे के लिए आपने स्टोरेज क्लास सप्लाई किया है एज ए स्टैटिक स्टोरेज क्लास या फिर एरे ग्लोबली क्रिएट किया था इस केस में एरे एलिमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा ऑलवेज 0 फॉर एग्जांपल इनसाइड सम फंक्शन अगर मैं जस्ट कोई एरे क्रिएट करता हूं साइज 2 इस केस में मैंने कोई भी एलिमेंट असाइन नहीं किया था इस केस में अगर आप प्रिंट टैब के थ्रू डिस्प्ले करा दो वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू का डिस्प्ले होगा %d%d A0, what is the value of A0? Garbage. Same, what is the value of A1? Is also garbage. Means in both cases, mein, array ke elements ka by default value kya aega? Garbage value. Means block ke form mein represent kar, means something inside some functions. This case, mein kya just output is garbage
एंड गार्बेज. सेकेंड केस, सेकेंड केस में अगेन मैं सेम एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ बट बाई यूजिंग स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्टैटिक इंट ए विथ साइज 2. मीन्स अगेन इस केस में एरे कैसा लोकल, लेकिन इस केस में स्टोरेज क्लास अप्लाई हुआ है स्टैटिक, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में एरे के एलिमेंट्स का बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0 0. सेम एज अगर आप इस एरे को आप ग्लोबली क्रिएट कर दें मीन्स आउटसाइड फंक्शन, तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा ऑल्सो 0 0. इस ऐसा कोई रूल नहीं कि एरे एलिमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज गार्बेज होगा या जीरो होगा, डिपेंड करेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एरे इनिशियलाइजेशन, मीन्स एरे एलिमेंट्स को डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइज करना पॉसिबल होता है. डिक्लेरेशन टाइम को इनिशियलाइज, डिक्लेरेशन टाइम इनिशियलाइजेशन को जस्ट नेम देते हैं एज अ पार्शियल इनिशियलाइजेशन. व्हाट इज मीन बाय पार्शियल इनिशियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो लाइक दैट, इसके मैंने साइज प्लॉट किया एज अ 5. मीन्स डिक्लेरेशन टाइम पर एरे एलिमेंट्स को पार्शियली इनिशियलाइज करना पॉसिबल. पार्शियली मीन्स जैसे अगर इसके इसमें साइज क्या है 5, तो आप कंप्लीटली 5 एलिमेंट इनिशियलाइज न करके सपोज दैट आप या तो 1 एलिमेंट इनिशियलाइज करें, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल इन करंट केस, इसके इसमें मैंने पार्शियली सारे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया 10 20 30 40 एंड 50. दिस इज कॉल्ड पार्शियल इनिशियलाइजेशन इन एरे. मीन्स जब भी एरे एलिमेंट्स को डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दें, इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को नेम दोगे जा पार्शियल इनिशियलाइजेशन. पार्शियल इनिशियलाइजेशन में कई सारे रूल्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका हूँ सारे रूल्स, जस्ट एक्सप्लेन करूँ. फर्स्ट वन, अगर आपने साइज 5 पास किया देन इसके इसमें एग्जैक्टली या तो 5 एलिमेंट इनिशियलाइज करना पॉसिबल और लेस देन 5 एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल्स करेंट केस में साइज क्या है 5, अगर मैं इस प्लेस पर 5 से ज्यादा एलिमेंट्स इनिशियलाइज करने के लिए ट्राई करूंगा मीन 60 70, देन इस केस में रेज क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, टू मेनी इनिशियलाइजर्स एरर में से करेगा. मीन इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने क्रिएट हुए, ओनली 5 एलिमेंट्स. मीन्स अप टू 5 एलिमेंट इनिशियलाइज करना वैलिड, लेकिन इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इनिशियलाइज कर देना, इस केस में इमीडिएटली रेज क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर. दिस इज द फर्स्ट रूल रिलेटेड टू पार्शियल इनिशियलाइजेशन. पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केसेस में नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स कितने होना चाहिए, आइदर एग्जैक्टली सेम एज साइज ऑफ एरे और शुड बी लेस देन साइज ऑफ एरे. लेस देन साइज ऑफ एरे मीन्स इन दैट केस, इस केस में एरे का साइज प्रोवाइड किया जाए अगेन 5. प्रीवियस केस में साइज भी 5 था और नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स भी कितने थे, ऑल्सो 5. लेकिन इस केस में एलिमेंट कितने असाइन कर रहा हूँ, ओनली 2 एलिमेंट्स. क्लियर. मीन्स इस केस में एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे सेकेंड केस में, 5 एलिमेंट्स. लेकिन इनिशियलाइजेशन कितने एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म हुआ, ओनली बिगिनिंग 2 एलिमेंट्स. इस केस में फर्स्ट एलिमेंट असाइन होगा इन फर्स्ट वेरिएबल और फर्स्ट लोकेशन 10 देन 20. रिमेनिंग प्लेसेस पर कोई भी एलिमेंट असाइन हुआ है क्या, नहीं. देन इस केस में अगर आप पार्शियली इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं देन रिमेनिंग अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन हुआ, ऑलवेज 0. क्लियर. स्पेशली याद रखना मीन्स इस केस में देखा जाए तो अभी भी स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो. स्पेशली इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन, पार्शियल इनिशियलाइज्ड मीन्स जस्ट इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन. अगर आप एरे एलिमेंट्स को इनकम्प्लीटली इनिशियलाइज करें, कंप्लीटली इनिशियलाइज न करके सम लिमिटेड एलिमेंट को इनिशियलाइज करें, देन इस सिचुएशन में रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0. दिस इज द रूल ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट वन, अगर मैंने इस केस में जस्ट प्रोवाइड किया एरे साइज इज 2, देन परफॉर्म कराया पार्शियल इनिशियलाइजेशन 10 20 30, इज इट वैलिड पार्शियल इनिशियलाइजेशन और इनवैलिड. इनवैलिड जस्ट प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे. अगर एरे का साइज मैंने 2 प्रोवाइड किया देन मैक्सिमम कितने एलिमेंट इनिशियलाइज कर सकते, ओनली अप टू 2 एलिमेंट्स. क्लियर. वन मोर थिंग्स, मीन्स जस्ट फर्स्ट केस में डिस्कस किया था एरे का साइज पास करना कंपलसरी है. मीन्स एरे साइज इज रूल प्रोवाइड किया, वी मस्ट सप्लाई एरे साइज, साइज कैन नॉट बी निगेटिव और 0. मीन्स एरे साइज पास करना कंपलसरी था, बट सपोज दैट अगर आप पार्शियली इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करा रहे देन पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में एरे का साइज कैसा, ऑप्शनल नॉट अ मैंडेटरी. फॉर एग्जाम्पल इन गिवन केस अगेन, अगर इस केस में एरे का कोई साइज प्रोवाइड नहीं करता तब भी एरे डिक्लेरेशन कैसा, वैलिड. अगर आप इस सिचुएशन में एरे का साइज डिस्प्ले करा हुआ यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर,
देन साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज किस फॉर्म में डिस्प्ले करता है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ रिजर्व्ड बाइट्स। इस एरे में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कितने हैं, 5, लेकिन एलिमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर, और एक सिंगल इंटीजर एलिमेंट कितने बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स फॉर 10, 2 बाइट्स फॉर 20, 2 बाइट्स फॉर 30, 40 एंड 50। तो टोटल साइज कितना एलोकेट होगा इसके, इसमें 5 × 2 = 10 बाइट्स इज द आउटपुट। मीन्स पार्शियल इनिशियलाइजेशन की केस में एरे का साइज कैसा, मैंडेटरी और ऑप्शनल, ऑप्शनल मीन्स अगर आप कोई इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रहे देन एरे का साइज पास करना कंपलसरी है, बट सपोज दैट पार्शियल इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर रहे देन एरे साइज कैसा, एरे साइज इज ऑप्शनल इन दैट केस। मीन्स इस केस में एनी नंबर ऑफ एलिमेंट इनिशियलाइज करना पॉसिबल है। पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केसेस में एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट। अगर आप 5 एलिमेंट इनिशियलाइज कर रहे हैं देन एरे के अंदर उस स्पेस कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट होगा, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। अगर आप 10 एलिमेंट असाइन कर रहे हैं इस केस में स्पेस कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट होगा, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, पार्शियल इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशंस। इस सेकेंड अदर एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ रिगार्डिंग पार्शियल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सप्लाई किया इस केस में एरे साइज 5, देन सबसे पहले इस केस में प्रोवाइड किया एरे डिक्लेरेशन, देन एरे के एलिमेंट को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ था नेक्स्ट स्टेटमेंट एज एक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। इज इट वैलिड और इनवैलिड केस, अगेन इट इज इनवैलिड केस। इस केस में रेज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर। पार्शियल इनिशियलाइजेशन ओनली डिक्लेरेशन टाइम पर पॉसिबल हुआ, नॉट आफ्टर डिक्लेरेशन। मीन्स आफ्टर डिक्लेरेशन एरे एलिमेंट्स को 1 by 1 इनिशियलाइज करना पॉसिबल लाइक दैट, ए 0 = 10, सिमिलरली ए ऑफ 1 = 20 एंड सो ऑन, इट इज वैलिड केस। लेकिन पार्शियल इनिशियलाइजेशन कैसा इस केस में, इनवैलिड पार्शियल इनिशियलाइजेशन। दिस इज द रूल्स रिलेटेड टू पार्शियल इनिशियलाइजेशन। वन मोर थिंग्स, एरे के साइज से रिलेटेड मैंने अभी जस्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था आपको, एरे साइज शुड बी कॉन्स्टेंट इंटीजर। एरे के केसेस में एरे साइज के प्लेसेस पर लिटरल कैरेक्टर सप्लाई करना पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इस केस में सप्लाई किया सिंगल कोट्स के फॉर्म में एज ए, ये क्या इस केस में कैरेक्टर, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैरेक्टर इंटरनली रिप्रेजेंट किस फॉर्म होते हैं, द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू। तो यहाँ ए के प्लेसेस पर लॉजिकली कंसिडर क्या हुआ, ASCII वैल्यू ऑफ ए विच इज 65। इस केस में टोटल कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट होगा, 65 एलिमेंट। अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ए का साइज डिस्प्ले कराओ तो ए का साइज क्या डिस्प्ले होगा इस केस में, 65 एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीजर 2। एग्जैक्टली इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ, 130। क्लियर। मीन्स एरे के साइज के प्लेसेस पर सिंगल कोट्स में डायरेक्टली कैरेक्टर पास करना पॉसिबल है, क्योंकि कैरेक्टर्स भी हैं ऑल्सो कॉन्स्टेंट लिटरल और एज अ इंटीजर्स। क्लियर, रीड कर सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, पार्शियल इनिशियलाइजेशन रिलेटेड में सारे के सारे रूल्स फिनिश कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट परफॉर्म असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन विद एरे नेम्स। अगर आपने कोई एरे क्रिएट किया है लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एरे, इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट असाइन किए मैंने एज 1, 2, 3, 4, 5। देन इसके साथ साथ में अगर एक और एरे क्रिएट करता हूँ लाइक दैट, इंट बी विद सेम साइज, मीन्स ए का भी साइज क्या है 5 और बी का भी साइज क्या है 5। अगर इस केस में आप एरे बी के अंदर अगर एरे ए को असाइन करने की ट्राई करोगे देन इस केस में रेज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर। मीन्स ना ही डिक्लेरेशन टाइम पर असाइन करना पॉसिबल है और ना ही आफ्टर डिक्लेरेशन असाइनमेंट करना पॉसिबल है। ऑपरेशन कैसा है, बी इक्वल टू ए इज ऑल्सो इनवैलिड, कंपाइल टाइम एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। सेम एज अगर एरे ए के अंदर एरे बी को असाइन करने के लिए ट्राई करो देन अगेन क्या रेज होगा इसके, इसमें कंपाइल टाइम एरर। सेम एज एरे नेम के साथ कभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल, अगेन कंपाइल टाइम एरर। इन तीनों ही केसेस में रेज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। जस्ट इसका रीजन क्या है मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग पॉइंटर्स, जब मैं पॉइंटर रिलेशंस को पॉइंटर के एक्सप्रेशंस को एरे के साथ रिलेट करूंगा देन उसके इसमें एक्सप्लेन करूंगा भाई जैसे एक्सप्रेशन विल गिव्स कंपाइल टाइम एरर्स। क्लियर। मीन्स एरे एलिमेंट को किसी भी एरे में डायरेक्टली असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं एरे टू एरे, लेकिन इस केस में अगर सपोज से अगर आपको एरे ए के एलिमेंट बी में असाइन करना है देन 1 by 1 असाइनमेंट करना पॉसिबल लाइक दैट, बी 0 = a0, सेम एज बी 1 = a1, इट इज
वैलिड इनिशियलाइजेशन फॉर एरे, बोथ आर वैलिड केसेस. नेक्स्ट वन, अगर किसी भी एरे नेम की बात करें, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर प्रिंटेप के थ्रू और यूजिंग प्रिंटेप डिस्प्ले क्या कराते हो, एरे नेम इटसेल्फ, देन एरे नेम इटसेल्फ आपको प्रोवाइड क्या करेगा, ऑलवेज इट्स बेस एड्रेस और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. इस केस में रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, मीन्स एरे नेम इटसेल्फ विल रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. दिस इज द रूल्स रिलेटेड टू एरे. नेक्स्ट सेशन जस्ट इस रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा प्लस पॉइंटर एंड एरे.